जब आपके LLB कंप्लीट हो जाती है और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस के किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए, जब कोई भी कैंडिडेट अपनी 3 ईयर या 5 ईयर की लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है और उसके पास में उसका रिजल्ट आ जाता है और वो LLB 3 ईयर या 5 ईयर में पास हो जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में यही आता है कि वो कैसे प्रैक्टिस शुरू करेगा अब आगे। तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिस शुरू करने से लिए स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, अगर वो हरियाणा में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, चाहे किसी भी स्टेट में है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि उसे अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो उसे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रखना होगा ऑफलाइन तौर पे, और सबको एक साथ उनको नत्थी करना होगा, देखना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्टेट बार काउंसिल में लेके जाने होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको किस तरह की प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या फ़ीस रहेगी, कौन कौन से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, एफिडेविट है, वो आपको लेके जाने हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में आपके साथ में किस प्रोसीजर के तहत आपको पूरा और कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको क्या करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है जब आपको फॉर्म डाउनलोड करना होता है, तो फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां से ले भी सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि जब आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म लीगल पेपर पे डाउनलोड करना है, आपको A4 पेपर पे डाउनलोड नहीं करना है, लीगल पेपर के ऊपर डाउनलोड करना है, क्योंकि A4 पेपर के ऊपर डाउनलोड किया हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पेपर के ऊपर फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं और उसको प्रिंट करवा लेते हैं तो आप, सबसे पहली बात है कि आप खुद डाउनलोड कीजिए चाहे वहाँ से ले, आपको 500 रुपये पे करने रहेंगे जब आप वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको 15 पेज का एक परफॉर्मा निकलता है जिसको आप सभी को A5, जिसको लीगल पेपर भी बोलते हैं, उस पर प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद में सबसे पहले जो आपके पास में आता है इंडेक्स, तो यहाँ आप देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और जो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले तो इनरोलमेंट फॉर्म होता है, जो सबसे पहले फॉर्म है ये वाला जो ये रहेगा, इसको लेके जाते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक बार इसको जो ये डिस्क्रिप्शन है इंडेक्स का, इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम। जैसे सीरियल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको अपने LLB की जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो आपका रिजल्ट आता है, तो जैसे डिग्री नहीं आई है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जैसे अभी पास किया है तो उनकी डिग्री नहीं आई है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल हो गया लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उनके पास में डिग्री है। अगर आपके पास में डिग्री है तो आपको डिग्री की 2 कॉपीज सेल्फ टेस्ट करके और वो लेके जानी है, और अगर आपके पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज देता है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा मिनिमम 70% अटेंडेंस के साथ में आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपको कॉलेज देता है, वो लेके जाना है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल DMC फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपका 3 साल की LLB थी तो 3ों सालों की DMC, और अगर 5 साल की LLB थी तो 5ों साल की DMC आपको लेके जानी है। 10th 12th, और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में LLB की है 3 ईयर की तो आपको ग्रेजुएशन की भी आपको लेके जानी है 3ों साल की। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको मास्टर डिग्री की भी 2ों साल की लेके जानी है DMC।
और उनकी डिग्री भी आपको लेके जानी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB, तो आपको लेके जाने हैं। अगर आपके पास में 10th, 12th और 5 ईयर लॉ की डिग्री है तो वो लेके जाने हैं, तो ये सभी आपको लेके जाने हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इनकी फ़ोटोकॉपीज़ के भी दो सेट बना के लेके जाएँ और ओरिजिनल भी लेके जाएँ कि अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत होती है दिखाने की तो आप दिखा सकते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पेज के ऊपर किस तरह से आपको एफिडेविट बनाने हैं, तो एफिडेविट बनाने हैं। और अगर आपने कभी LLB करने के बाद में गैप रहा है, या कॉलेज के बाद में LLB करने और कॉलेज के बीच में आपके पास में गैप रहा है, तो उस गैप के लिए एफिडेविट, या फिर LLB करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बीच में गैप रहा है तो उस गैप के लिए एफिडेविट। और इसके अलावा आपने अगर LLB करने के बाद में कोई जॉब की है या कोई बिजनेस किया है तो उससे रिलेटेड एफिडेविट आपको बनवाना होगा। तो ये सभी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। कॉलेज से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी अगर आपको मिलता है तो आप लेके जाइए। तो ये सभी आपको करना होता है। तो इसके अलावा आप सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो एक बार इस इंडेक्स को छोड़ देते हैं, ये मैं दोबारा बताऊंगा लास्ट में कि इसमें ये जो टिक मार्क किए हुए हैं इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है एक नंबर कि नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भरना है, जो आपके LLB की डिग्री है उसके अंदर जो नाम है वही भरना है आपको। नेशनलिटी इंडियन, तो उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ हो गई है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके LLB डिग्री के अंदर है वही भरना है। और जो एज है, जिस दिन आप फॉर्म लगा रहे हैं तो उस दिन का एज, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री की है, यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो उसका नाम भरना है। और उसके बाद में आपने कोरेस्पोंडेंस से की है, क्योंकि कोरेस्पोंडेंस से तो होती नहीं है, रेगुलरली करनी होती है, प्राइवेट LLB के बाद में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और डेट 7 कॉलम में है, डेट किस डेट को आपको LLB की आपकी डिग्री मिल गई थी। हम यहाँ पे कॉलम वाइज फॉर्म को भरते हुए चलेंगे जिससे आपको भी आसानी रहे। अगर आपके पास में फॉर्म है तो आप अभी साथ में ही भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के भर सकते हैं। वीडियो शायद स्लो हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्म पूरी तरह से भरा जाएगा, आपकी एक भी कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो गलत नहीं होगी, ना ही उसमें कोई कमी रहेगी। कॉलम नंबर 8 है कि अगर आपके पास में आपने 5 ईयर 10+2 के बाद में आपने अगर लॉ की डिग्री हासिल की है तो आपको 12th की सारी डिटेल देनी होगी। 8 नंबर कॉलम में कितने परसेंट बने, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कौन सी आपका बोर्ड था। अगर आपने 3 ईयर LLB की है तो कॉलम नंबर 8A में आपको सारी आपको जानकारी वहाँ पे देनी होगी, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की, क्या नाम था कॉलेज का, कौन से यूनिवर्सिटी से की थी, कौन से ईयर में की थी, जो आपका जो बोलते हैं सत्र सेशन वो कौन सा सेशन था, कितने परसेंट, और कौन सी फैकल्टी थी, BCom, BA, BSc जो भी आपने किया। कॉलम नंबर 8B है, इसमें आपको भरना है कि आपने LLB 3 ईयर का कोर्स किया था, तो उसी की डिटेल भरनी है यहाँ पे, और लिखना है साइड में कि 3 ईयर था मेरा। उसके बाद में पेज नंबर 2 आता है, यहाँ पे आपको देना है आपकी डिटेल, जहाँ से आपने LLB की उस कॉलेज की डिटेल देनी है, कौन से मंथ में आपने एडमिशन लिया था, कॉलम नंबर 9A में जो फर्स्ट है उसमें, सेकंड में आपने कब आपने अपने LLB डिग्री कंप्लीट कर दी, कितने साल की आपकी डिग्री रही थी, 3 ईयर या 5 ईयर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कब मिला, कहने का मतलब फाइनल ईयर का, 3 ईयर या 5 ईयर का आपका फाइनल का रिजल्ट कब आया, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कब दिए आपने। और यहाँ पे ये जो है 9 नंबर का 6th कॉलम, यहाँ हमेशा रेगुलर ही भरना है, क्योंकि रेगुलर जो कैंडिडेट होते हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट रहे होते हैं, उन्हें ही एनरोल किया जाता है बार काउंसिल में,
जो कोरेस्पोंडेंस से या डिस्टेंस से होते हैं उन्हें मान्यता नहीं मिलती है। तो आप रेगुलर ही भरिए यहाँ पे, मीडियम आपका जो भी था हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद में जहाँ पे आपका स्टेट बार काउंसिल है उसका यहाँ पे भरना है। जैसे आप, मैं अभी बता रहा हूँ हरियाणा एंड पंजाब का, तो आप यहाँ पे चंडीगढ़ भरिए कि भैया आपको चंडीगढ़ में करना है, तो आप यहाँ चंडीगढ़ भरिए। अगर आपको दादरी या किसी भी जो स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है तो वहाँ का भरिए। अगर हाई कोर्ट में करना है तो आप चंडीगढ़ भर दीजिए। अगर आपने कभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में काम किया है तो यहाँ यस कीजिए, फिर उसके रिलेटेड आपको एफिडेविट भी लगाना होगा और आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भी देनी होगी कॉलम नंबर 11 में। कॉलम नंबर 12 में भी सेम यही है, तो आप, मैं ये कहूँगा कॉलम नंबर 11 और 12 में आप नो कीजिए। उसके बाद में कॉलम नंबर 13 के ए और कॉलम नंबर 13 के बी में भी आप नो कीजिए। ये नो का मतलब है नॉट अप्लीकेबल, आपने जॉब नहीं की है कहीं पे भी। अगर जॉब की है तो ये भरना है, वरना अगर आपने जॉब नहीं की है तो इनमें सभी में कॉलम नंबर 16 तक आपको नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल ही भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 17 आता है जहाँ पे फीस के बारे में बताया हुआ है कि आपने फीस कैसे देनी है। तो साथियों, सबसे पहली बात आती है कि जैसे वहाँ पे आपको फीस के दो मेथड है। पहले तो यही होता था कि सिर्फ आपको डीडी बनवाना होता था जो जाते थे फेवर में अलग अलग, जिसकी डिटेल होती थी, आपको मिल जाती है डिटेल जो वेलफेयर फंड में भी जाते थे और जो बिल्डिंग फंड में भी जाते थे और जो तत्काल स्कीम के तहत भी होते थे, तो ऐसे करके आपको अलग अलग बनवाने होते थे डीडी। लेकिन अब जो स्टेट बार काउंसिल है उन्होंने एक सुविधा दी हुई है कैंडिडेट्स को कि आपको डीडी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट से पैसे वहाँ पे कटवा सकते हो बार कोड के माध्यम से। वहाँ बार कोड लगे होते हैं और यहाँ इस फॉर्म पे भी जो 15 नंबर पेज है, फॉर्म का 15 नंबर पेज है, ये देखिए जो ये पेज है, तो इस पेज में भी ये जो बार कोड है इनको स्कैन करके और आप पेमेंट कर सकते हैं पहले भी, और उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जब आप स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं तो वहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप वहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट और उन्हें बता सकते हैं, और जितने भी फंड रहेंगे उनको आप वहाँ पे ही दे सकते हैं। और यहाँ पे फीस अलग अलग होती है, जो एससी एसटी के होते हैं लोग उनकी अलग फीस होती है, जो जर्नल के होते हैं उनकी अलग फीस होती है, और इसके अलावा एक स्कीम होती है तत्काल के, आपको उसी दिन अगर आपको अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आई कार्ड चाहिए होता है तो उसके लिए 4,000 रुपये अलग से लगते हैं। और अगर आपको तत्काल नहीं चाहिए होता है तो उसमें 15-20 दिन महीना भी लग जाता है, और फिर आपको दोबारा जाके वहाँ पे चंडीगढ़ में जाके और आपको लेके आना होता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको दोबारा से जाना पड़े तो आप तत्काल में उसी दिन करवा सकते हैं, और आपको जितने भी जो भी पेमेंट होती है और आप वहाँ पे QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप पहले करते हैं तो ये जो डिटेल दी हुई है ये उसी से रिलेटेड है, या आप ऐसे पहले भी आप पेमेंट करके जा सकते हैं और ये बता सकते हैं, यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं कि 18 तारीख को मैंने ये पेमेंट की, इतने बजे की, मैंने टाइम और डेट लिख के, और बता सकते हैं पैसे, और उनको वहाँ पे जाके आप अपना कोड दिखा सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर फॉर्म आता है डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक 10 रुपये की टिकट लगेगी, और यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे नेशनलिटी भर के, और यहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया था, जैसे स्कूल, यहाँ कॉलेज का नाम भरना है, और यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ अपने साइन, और यहाँ डेट। दोस्तों, यहाँ डेट से रिलेटेड एक मैं बात बता देता हूँ कि आपको ये जो डेट है ये डेट आपको वही भरनी है जिस दिन आप स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे। तो इस डेट के कॉलम को खाली छोड़ें और ये डेट उसी दिन भरें जिस दिन आप स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप पहुंचते हैं चंडीगढ़, वहीं तो उसी दिन का ये डेट भरें, साइन करके रखिए, बाकी डेट उसी दिन भरें आप।
और यहाँ पे भी आप साइन और डेट करना है तो साइन पहले ही कर लीजिए, डेट बाद में कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद ये 5 नंबर पेज आता है 4 नंबर पेज के बाद में, तो इसी में वही सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो नेसेसरी हैं एनक्लोजर्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको पहले भी बता दिए, जो सबसे पहले इंडेक्स में बताए थे वही हैं सेम, जिन डॉक्यूमेंट्स की हमने बात यहाँ पे की थी इंडेक्स में वही डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी सेम, ये वाले। तो इसलिए इनको अभी हम 5 नंबर को ना तो भरना है इसमें कुछ, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड है कि किस तरह से आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसके बाद में आता है ये 6 नंबर पेज, यहाँ पे आपको 10 रुपये की टिकट लगानी है और नोटेरी से स्टाम्प लगवाना है और यहाँ पे अटेस्ट करवाना है। इसमें आपको अपने डिटेल भरनी है, नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, यहाँ पे भी आपका एड्रेस आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री ली है, यहाँ पे अपने नाम और यहाँ प्लेस ऑन डेट, और यहाँ डेट आपको जिस दिन आप ये तैयार करवाते हैं, ये एफिडेविट की तरह ही बनता है, तो जिस दिन आप ये एफिडेविट तैयार करवाते हैं उसी दिन का डेट लगाएं। तो उसके बाद 7 नंबर पेज आता है, ये आपको फिल करवाना है तो एडवोकेट से, दो एडवोकेट्स, ये 6 नंबर फॉर्म आपको फिल करवाना है दो एडवोकेट से जिन्हें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस बार एसोसिएशन में। तो यहां पे आप अपना नाम, फादर नेम और उसके आगे की डिटेल वही एडवोकेट भरते हैं, यहाँ वो अपना नाम भरते हैं, यहाँ पे वो ये भरते हैं कि कितने दिन का मुझे एक्सपीरियंस हो गया मैं इन्हें, और जो ये आपके बारे में भरते हैं कि कितने दिन से वो आपको पर्सनली जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से ये गारंटी हो गई या नॉन सर्टिफिकेट हो गया कि वो आपको जानते हैं। और यहाँ दूसरे पार्ट में इसी के नीचे एक दूसरा पार्ट है फॉर्म नंबर 2, यहाँ दूसरे एडवोकेट से भरवा सकते हैं, यहाँ वो अपने नाम, अपने जो एड्रेस, अपने और फ़ोन नंबर या अपने एनरोलमेंट नंबर वो भर देते हैं। तो ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है ये 7 नंबर पेज, यहाँ फीस के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए ये फॉर्म की फीस है जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि ये आपको देनी ही होगी, चाहे आप खुद डाउनलोड कर लीजिए फिर भी आपको देनी होगी। ये फीस है जो जनरल कैटेगरी की है 9200, SC ST BPL की है 6800, और जो हैंडीकैप या ब्लाइंड हैं उनकी है 8700। और ये वाली जो चीज़ थी ये मैं आपको बता रहा था कि तत्काल जो स्कीम है उसके 4000 रुपये अलग से लगते हैं, अगर आपको अर्जेंट में चाहिए उसी दिन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप तत्काल के लिए बोलते हैं तो वो उसी दिन देते हैं, लेकिन टाइम इसमें काफ़ी लग जाता है। ये मान लो कि आपको शाम को लेट तक 8-9 भी बज जाते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो ये पेमेंट हैं ये बाकी सभी के लिए सेम रहती हैं, बाकी बस यहीं पे है कुछ डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 1200 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 600 है, और थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ है। और बाकी तत्काल के लिए अगर कोई करवाता है तो उसके लिए 4000 अलग से है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगी फ़ीस वगैरह। तो आप ये देख लीजिएगा, वहीं जाके करना QR कोड से ही सही रहेगा क्योंकि आपके सामने ही होती है वो। DD में क्या होता है, अगर आप DD बनवाते हैं तो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप पहले ही कम से कम एक बार आइडिया लेके, और वहाँ पे मैं आपको ये नंबर दे दूँगा इस वीडियो में, तो उन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर फीस क्या है, उस माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने डिटेल, नाम, बाप का नाम यहाँ भर के, और इस
या ये इसके नीचे ये भी भरना है। ये 9 नंबर कॉलम है, इस पे आपको यहाँ पे टिकट लगानी है 10 रुपए की, और यहाँ पे भी आपको स्टाम्प वालों से यहाँ पे आपको अटेस्ट करवाना है। यहाँ आपको अपनी डिटेल, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे ये डेट जिस दिन आप ये तैयार करवाते हैं उसी दिन का डेट। बाकी इसके अलावा और कहीं पे भी आपको डेट भरनी है तो वो डेट आप उसी दिन का भरें जिस दिन आप स्टेट बार काउंसिल में जाएं। यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि फ़ोटो आप अपना अच्छे से सूट में, जो आपका एडवोकेट का जो ड्रेस कोड होता है उसी के अंदर प्रॉपर तरीके से आप अपने सूट में पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा के और फिर जाएं। उसके बाद ये 9 नंबर 10 नंबर फॉर्म है, ये मैंने इनके ऊपर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा हुआ है। तो ये है जो फॉर्म, यहाँ पे आप साफ लिखा हुआ है कि 2 फोटो हैं जो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। दो फोटोज लगानी है अलग से। ये 2 फोटोज इसलिए हैं, ये आपके आई कार्ड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल जो भरनी है कैपिटल लेटर्स में, मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों जैसे ही आप पूरा फॉर्म भरते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, पूरा कैपिटल लेटर्स में भरिए जहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। और इसको तो आपको भरना ही कैपिटल में है, और ब्लैक या ब्लू पेन से आप भरिए। यहाँ पे आप अपने डिटेल भरिए पूरी, अमित राज जो नाम है, बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और यहाँ नीचे आप अपनी फ़ोटो। और यहाँ ये 3 कॉलम हैं, इन 3 कॉलम में आपको ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं, ये वाला फोटो और ये जो साइन, ये आपके आई कार्ड के ऊपर आते हैं। तो जिस तरह का आप साइन करेंगे वही आपके आई कार्ड के ऊपर आएगा। इसके बाद में ये स्पेसिमेन पेज है, इन सब के आपको ये जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट के तौर पे है ये आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कॉलेज से लेके आना है। कॉलेज आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट देता है जो इस प्रकार का होता है, ये वाला अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ये वाला अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगाना है आपको। ये जो फॉर्म के अंदर दिया हुआ है स्पेसिमेन, इसको आपको नहीं भरने की ज़रूरत, नहीं बनवाने की ज़रूरत। इसके बाद में आता है ये एफिडेविट्स हैं जो ये आपको तैयार करने हैं। यहाँ पे आपको ये टिकट लगाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ लिखा हुआ है कि 3 रुपए का नॉन जुडिशियल पेपर पे, ये आप में निकले हैं, इनको भी आप तैयार करवा सकते हैं। वरना इनके अलावा और आप और भी नोटेरी के पास जाके एफिडेविट तैयार करवा सकते हैं। मैं तो सलाह देता हूँ कि नोटेरी के पास जाके आप इन्हीं के बेस पे दूसरे एफिडेविट तैयार करवा लें, क्योंकि वो थोड़े साफ और क्लियर रहेंगे और अच्छे बन जाएंगे, और उन्हें आप ये दिखा के इन्हीं के आधार पे बनाने हैं। कि जैसे यहाँ पे आपने 3 ईयर किया है तो आपको 3 ईयर का ही डिटेल देना है, 5 ईयर किया है तो 5 ईयर का, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का, इसी हिसाब से यहाँ पर आप अपने कॉलेज का डिटेल देते हैं, यहाँ ईयर्स का डिटेल देते हैं, और यहाँ नीचे आप अपना कब आपका रिजल्ट क्लियर हुआ, कब आपने एडमिशन लिया, कब आपका रिजल्ट क्लियर हुआ, कौन सा आपका सेशन था, ये भरना है। यहाँ नोटेरी से आपको सिग्नेचर करवाने हैं, नोटेरी स्टाम्प लगा देता है, यहाँ आप डिपोनेंट साइन हो जाते हैं, यहाँ डेट और प्लेस। इसके बाद में अंडरटेकिंग का एफिडेविट है, इसको भी तैयार करना है अपने नाम से, फादर नेम, प्लेस और स्टेट बार काउंसिल में आप किस डेट को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और ये आपका टाइमिंग की आपने कब आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है, यहाँ आपने सिग्नेचर और अपनी सारी डिटेल भरनी है। तो दोस्तों मैं अब ये बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे ये 9 नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 10 है लेकिन यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है मैंने, ये पेज नंबर 9 है, 8 नंबर लिखा हुआ है मैंने,
ये इसलिए है कि 5 नंबर तक तो क्लियर बिल्कुल रेगुलर थे ये पेजेस, यहाँ पे देखो ये 5 है ये 6 है, लेकिन ये जो 5 नंबर पेज है ये आपको लगाना नहीं है, जब आप फाइल तैयार करके जाते हैं तो आपको लगाना नहीं है, इसलिए सीरियल चेंज हो गए। ये देखो 2 के ऊपर 2 ही है, तो इसलिए 5 नंबर पेज लगाना नहीं है, बाकी सभी पेज लगाने हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको मैंने ये 2 नंबर पे ये जो पेज है ये मैंने लगा दिया है, और इसको कितना नंबर पे लगाया है, जैसे इसमें 10 नंबर तक, 1 से लेकर 10 नंबर तक पेज तो आपको लगाने ही है, जो आपको फॉर्म डाउनलोड करते हो तब आते हैं, उसके बाद में आपने डिग्री कितने नंबर पे लगाई है अपनी वो यहाँ लिखना है कि 11 नंबर पे लगाई है, 12 पे लगाई है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कितने पे लगाई है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो DMC है कॉलेज की वो बताना है, DMC की फोटोकॉपीज, 10th की 12th की फोटोकॉपीज, ग्रेजुएशन आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद में LLB की है 3 ईयर तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है, और आपको ने उसके ऊपर मार्क करके कि मैंने कितने नंबर पे लगाया है ये वाली, यहाँ पे आपके पास में आधार कार्ड या कोई और ID आप लगा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तो वो उसकी डिटेल देनी है और वो लगाना है। तो ये सारा मैं आपको बताता हूँ कि सीरियल नंबर से लगाना है सारे डॉक्यूमेंट, जैसे ये 10 तक तो आपके पास में फॉर्म हो गए, उसके बाद में आपने DMC लगा दी, सबसे पहले आपने अपने LLB की डिग्री लगा दी, उसके बाद में आपने अटेंडेंस सर्टिफिकेट, तो डिग्री आपकी 11 पे हो गई, 11 और 12 पे 2 कॉपीज हो गई, उसके बाद अटेंडेंस आपकी 13 पे हो गई, आपके LLB की 3 साल की हो गई तो 13, 14, 15 हो गई, उसके बाद मैट्रिकुलेशन की 16 हो गई, 12th की 17 हो गई, तो ऐसे आपको नंबर लिखने हैं यहाँ पे। एक बार आप फाइल तैयार कर लीजिए, फिर उन पर मार्किंग कर लेना, और लास्ट में जितने भी एफिडेविट हैं उन सबको भी मार्क करके, गैप ईयर का एफिडेविट हो गया, या फिर आपने कभी काम किया था, जॉब किया था उसका एफिडेविट हो गया, LLB से पहले गैप था तो वो एफिडेविट हो गया, LLB के बाद अगर कोई गैप था तो वो एफिडेविट हो गया। तो एफिडेविट जो तैयार करने हैं वो आप ध्यान रखना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप वकालत कर रहे हैं या वकालत मान लो आपकी चल रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लगाने हैं, तभी आपको जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो मिलता है, उसी के बाद में आप वकालतनामा लगा सकते हैं, उसी के बाद में आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकते हैं। और फीस के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वहीं पर जाके QR कोड से ही पेमेंट करें। और अब जब आप अपनी पूरी फाइल तैयार करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको जाना होता है चंडीगढ़ लॉ भवन सेक्टर 37A, जहाँ पे जाने के बाद में आप वहाँ पे, मेरी सलाह है कि आप वहाँ पे सुबह टाइम से ही पहुँच जाइए, 9 बजे ही पहुँच जाइए, जिससे कि आपको जल्दी आपको मार्किंग हो जाए, आपकी फ़ाइल पे कोई कमी हो तो आपको कंप्लीट पता चल जाए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी फाइल जमा कर देते हैं आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, और उसके बाद में आपको फिर आप आराम से कहीं पर भी घूम सकते हैं। फिर उसके बाद में जब शाम को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर ID मिलती है, जो तत्काल वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो आराम से अपना रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी वापस आना है, आपको नॉर्मली जो प्रोसीजर है उसके तहत बनवाना है, तो आप अपनी फाइल दीजिए और वहाँ पे आप वेट कीजिए, वो आपको डेट दे देंगे कि इस डेट को जाके आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और अपना ID कार्ड ले जाइए। और आप एफिडेविट जो इनमें जो फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं इसके अंदर पेज आते हैं, उनके भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं अलग से भी, और आप 4-5 फ़ोटो अलग से लेके जाएं, और फोटोकॉपीज़ का एक सेट अलग से लेके जाएं, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं ज़रूर, और एक ब्लैक या ब्लू पेन एक्स्ट्रा लेके जाएं, और सभी पेजेस पे ज़्यादातर अपने सभी पेजेस पे साइन कर दीजिए, और डेट आप वहाँ पे जाकर ही डालें। और अगर आप तत्काल में करवाते हैं तो आपको पूरा का पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे, तो उसी हिसाब से जाए कि आप कहाँ पे रुकना है, क्योंकि रात के 8-9 भी बज जाते हैं, और दिन में जो लंच रहेगा वो आपको लंच फ्री में मिलता है। अगर आप तत्काल करवा रहे हैं, आपको 4,000 रुपये पे करते हैं, तो आपको दिन के लंच के लिए टोकन मिलता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात है ये, अगर वहाँ पे आप तत्काल में करवा रहे हैं तो आपको दिन में लंच के लिए टोकन मिलता है।
और जैसे ही आप इसमें स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, आप एडवोकेट बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये आपको 2 साल के लिए प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको परमानेंट चाहिए होता है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देना होता है। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे तैयारी करें, क्या एग्ज़ाम होता है, कहाँ से तैयारी करें, कब कब होता है, सभी। आशा करता हूँ साथियों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी कि कैसे स्टेट बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और कैसे आप अपना फॉर्म भरें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाके आपको AIBE की तैयारी के लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो चैनल पर आपको मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।